चाइना कंस्ट्रक्टिंग डैम नियर अरुणाचल प्रदेश, डज इट स्लोस डाउन द ब्रह्मपुत्र रिवर? सिमर रिव्यू। भारत के साथ चीन की हमेशा से ही बहस चलती रहती है। पिछले साल 2020 में चीन ने भारत बॉर्डर पर कब्जा जमाने की कोशिश की, तो वहीं भारत ने भी कई प्रचलित चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया, जिससे दोनों के बीच बहस का सिलसिला और बढ़ गया। अब एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीन अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में डैम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या चीन द्वारा बनाए जा रहे इस डैम से भारत में आ रही ब्रह्मपुत्र नदी की गति धीमी होगी या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, सिमर के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है और यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले के स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। तिब्बत से बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और इसी बीच चीन अपने डैम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई 38 मीटर है तथा अधिकतम गहराई 120 मीटर है। तो ऐसे में गति धीमी होने की बात करें तो यह डैम के आकार पर निर्भर करेगा कि वह कितनी बड़ी होगी। भारत ने इस नियोजित बांधों पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि निर्माण से ब्रह्मपुत्र के प्रवाह की मात्रा पर काफी हद तक असर नहीं पड़ सकता है। बता दें कि यह प्रोजेक्ट चीन पार्लियामेंट द्वारा स्वीकार किया गया है। चीन ने कहा कि इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को नदी के निचले हिस्से पर बनाने की योजना है, ताकि इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से भारत और बांग्लादेश जैसे डाउनस्ट्रीम देशों को परेशानी ना हो। चीन एशिया के सबसे महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।